नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 13 मई का करंट अफेयर्स। तो इसमें जो इंटरनेशनल और नेशनल जो हमारी खबरें बनी हुई तो उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर वन, ये हमारा है वन। तो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, तुम्हारा ये नर्स दिवस है जो 12 मई को मनाया जाता है। जनता के बीच नर्सों की भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इस साल इस दिवस का विषय का मतलब थीम होती है, या इंग्लिश में विषय को थीम बोलते हैं। तो इसका विषय क्या था, नर्स ए वॉइस टू लीड हेल्थ इज ए ह्यूमन राइट है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाता है। ये हमारे जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उन्हीं की जयंती पर ये इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम सेकेंड डिस्कस कर देते हैं। भारत का पहला लिथियम आयन चार्जर, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत की पहली स्वदेशी लिथियम आयन बैटरी चार्जर का अनावरण किया, जिसे नई दिल्ली में एम्पियर वाहनों द्वारा विकसित किया गया। लिथियम आयन चार्जर परियोजना को मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा समर्पित किया गया। अनावरण कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। जी हमारा क्वेश्चन नंबर रहा थर्ड, नासा उड़ाएगा मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर। तो ये हमारा कब उड़ाएगा, ये 2020 में लॉन्च करने वाला है नासा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नासा किसी अन्य ग्रह पर एयरक्राफ्ट से भारी विमान के पहले परीक्षण के लिए मंगल ग्रह पर एक छोटा हेलीकॉप्टर भेजेगा। 2020 में लॉन्च होने वाला मंगल ग्रह के हेलीकॉप्टर को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के मंगल रोवर के साथ भेजा जाएगा। हेलीकॉप्टर को विशेष रूप से मंगल के वायुमंडल में उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी की तुलना में 100 गुना अधिक पतला। तो ये नासा जो लिखा इसका हमारा फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर चार, केरल और एनटीपीसी के बीच सौर ऊर्जा पर समझौता। केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने राज्य और सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MOU मोरेंडम ऑफ साइन में कायोकुलम ने NTPC परिसर में 15 मेगावाट की सौर ऊर्जा इकाई स्थापित करने का एक समझौते भी शामिल है। जलाशयों, खुली जगह और इमारतों के छतों पर सौर संयंत्र स्थापित करने की स्थापना का भी पता लगाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर फाइव, यमन में हैजा का टीकाकरण अभियान शुरू। यमन में युद्ध और स्वास्थ्य तथा अभी जो सीरिया ने यमन पर नहीं दाग दिए थे वही वाला है इसमें। तो यहाँ पर महामारी फैलने के 1.5 साल बाद हैजा का खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। WHO के मुताबिक यमन में हैजा के 1 मिलियन से अधिक मामले नवंबर 2016 में से 2275 दर्जे मौत हुई। तो इसमें 12 गुणा हो जाएगा कहीं। एडन के 4 जिलों में मौखिक टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य 3,50,000 लोगों का टीकाकरण देना था। तो इसमें दोस्तों मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।